सोलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज यार, आप सभी को मैं बता दूं, पेपर नहीं आया है और ना आएगा। चाहे वो वार्षिक का हो, चाहे वो अर्धवार्षिक का हो, किसी भी परीक्षा का हो, कक्षा 11 हो, जो भी परीक्षा है आप सभी की, कोई पेपर नहीं आया, अर्धवार्षिक परीक्षा का नहीं आया है। और आज के जो वीडियो है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी है, वार्षिक परीक्षा के लिए भी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के बायोलॉजी में वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न, जो कि आप सभी के हर परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी, परीक्षा अध्ययन के माध्यम से भी, दोनों के माध्यम से आप सभी को मिलने वाला है आंसर प्लस क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, फेक पेपर पर बिल्कुल भी बिलीव मत करो और वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना एंड कॉपी पेन लेकर के बैठना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और यहाँ से आप सभी को बताते हैं, आंसर भी बताएंगे साथ साथ में, ठीक है। मैं आप सभी को जो भी बताऊँ वो ही करना है। देखिए यहाँ पर आप सभी को ये क्वेश्चन कर लेना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना, ये कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर भी यहीं पर दिया हुआ है, देख सकते हो मैंने चूज करके लगा रखा है। और अगला जो क्वेश्चन है आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, जो भी है ये लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे बताऊँगा जो भैया किसी भी ईयर में नहीं पूछे गए लेकिन फिर भी आने की संभावना होगी, ठीक है। क्योंकि भैया उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि भैया हाँ आ सकता है ना। अगला देखिए ये वाला जैविकता वाला कर लेना, जैविकता वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है, ये वाला हो सकता है, परिभाषा भी पूछ ले, तो दोनों को याद करें, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। और हो सकता है कि भैया ये जो है ना, ये प्रश्न ऐसे पूछ ले, जैविकता क्या है, आंसर को भी प्रश्न बना करके पढ़े, है ना, प्रश्न को आंसर बना सकता है, आंसर को प्रश्न बना सकता है, ठीक है। इसलिए आपसे ध्यानपूर्वक पढ़े, बिल्कुल एकात्मक होकर के पढ़े, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हो, ये वाला मोस्ट नहीं है, ये वाला मैं जिस पर टिक लगा रहा वही करना है। उसके बाद ये कर लेना है, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं, इनको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे वो नहीं समझा रहा हूँ। बाकी जिनको समझाने की ज़रूरत होगी मैं समझाऊँगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला ये वाला मोस्ट है कि जैव विविधता से क्या समझते हो, वेरी मोस्ट है, तो इसको समझा देते हैं। जैव विविधता, जैव अर्थात जीवो यानी कि बोले तो जीवो से क्या मिलता है अपन को, जीवो से अपन को वर्ड मिलता है सजीव, क्या मिलता है सजीव, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। देखो संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर वर्गी की भी याद कर लेना, वर्गी की है क्या, वर्गी की क्या होते हैं, है ना, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला देखिए, जीवों को वर्गीकृत करते क्यों है, या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, या वर्गीकरण के दो उद्देश्य बताइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन आंसर एक ही रहेगा, तो ये भी मोस्ट बनता है, ये वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट है, मुझे लगता है त्रैमासिक में भी आया था, है ना, त्रैमासिक में भी आया था, अब भी आएगा। तो देखिए जीवों को वर्गीकृत करने के उद्देश्य यहाँ पर है, तो एक तो यहाँ पर अध्ययन की सुविधा है ना, और एक यहाँ पर क्या है, विभिन्न जीवों के मौलिक प्राकृतिक संबंधों को स्पष्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को बताते क्या है मोस्ट। अगला जाति वाला भी कर लेना, जाति क्या है, अगला यहां पर ये कर लेना, हर्बेरियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और यकीनन आप सभी को ये पेपर में मिलेगा, ठीक है, हर्बेरियम, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये दोनों कर लेना कंटेस्ट से, ICBN और NNBRI, ठीक है। और अगला एक और कर लेना आप सभी को, IZ इंटरनेशनल कोड ऑफ ICZN, है ना, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये भी कर लेना है, ठीक है। और अगला यहाँ पर ये भी कर लेना, कोशिकी उपापचय क्या है, सजीव निर्जीव में अंतर कर लेना है, ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला, ये सारे तो भैया गाइड से देख रहे हैं, अभी आप सभी किससे भी बताया जाएगा, आप सभी को अभी प्रश्न बैंक से भी बताया जाएगा, ठीक है। ये मृत्यु जीवन का सकारात्मक पक्ष समझाइए, ये भी आप सभी को लिख लेना है। वर्गीकरण के तीन उद्देश्य, ये वही वाला प्रश्न है, ठीक है। एक और ये भी मोस्ट है कि द्विजगत वर्गीकरण क्या है, इसकी प्रमुख कमियां लिखिए, विशेषता बताइए, तो ये आप सभी लिख देना, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अब ये देखते हैं क्वेश्चन बैंक से भी कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन ये याद कर लेना, सिस्टम ने चोरी की पुस्तक के लेखन कौन है, तो यहाँ पर कैरोल्स लिनियस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा बोटिंगल गार्डन कौन सा, तो हावड़ा, ये भी मोस्ट टाइम पे सारे सारे लगा लो, ये पांचों के पांचों, और पांचों के पांचों आंसर यही भी है, और ये दो तो हमने अभी देखे थे, है ना। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अगला देखिए, ये वाला मोस्ट टाइम पे है, कौन सा, ये इधर देखिए आप,
इधर आप सभी को बताया जा रहा है मोस्ट आईएमपी। प्राणी उद्यान और प्राणी संग्रहालय से आप क्या समझते हो, तो ये दोनों के दोनों मोस्ट आईएमपी है, लगा लीजिए। और इसके आंसर भी यहीं पर है, ठीक है। प्राणी संग्रहालय और प्राणी उद्यान क्या है, ठीक है। अगला देखिए समष्टि, ये वाला मोस्ट आईएमपी है। सम स्थापन से क्या समझते हो, ये वाला मोस्ट आईएमपी है। सम स्थापन यानी समान स्थापन, अर्थात वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की जो क्रिया होती है वो सम स्थापन होती है, ठीक है। किन्हीं दो पादपों के वैज्ञानिक नाम आप सभी को याद कर लेने, पादपों के और जंतुओं के, है ना, 100% आने की संभावना है। अगला मृत्यु जीवन का आवश्यक घटक, ये तो आप सभी को बता ही दिया, मोस्ट है ही सही। अगला देखिए, अगला क्या है, टेक्सोन की परिभाषा, ये वाले भी ज़्यादा मोस्ट नहीं, ये उपापचय ज़्यादा मोस्ट है। अगला देखिए द्विनामकरण पद्धति क्या है, ये वेरी मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसको अवश्य रूप से याद करें। फोना और फ्लोरा पढ़ लेना, लेकिन आ सकता है नहीं भी आ सकता है। अगला है वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, पद्धतियाँ कितनी है वो भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आप सभी को 100% याद करना है, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो। अगर मैं आप सभी को समझाऊँ ये, तो ये तो हो गई परिभाषा है। लेकिन वर्गीकरण की पद्धतियाँ तीन होती है, एक तो प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम, एक होती है जातिवृत्ति, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जातिवृत्ति पर वर्गीकरण पद्धति के बारे में ये लिखा हुआ है। अगला देखिए टेक्सा कैसे कहते हैं, वेरी मोस्ट, ये वाला याद कर लेना, उदाहरण भी टेक्सा के प्रमुख उदाहरण भी याद कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला यहाँ पर अत्यधिक गर्मी में उभयचर व सरीसृप कम दिखा देते, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न आ सकता है, क्योंकि भाई जिले से पेपर बन रहा है, तो यहाँ पर ऐसे जो है प्रश्न आते हैं, है ना। अब हर्बेरियम के तीन उपयोग, वेरी मोस्ट है यहाँ पर, इसको अवश्य रूप से याद कर लेना, क्योंकि मैं मोस्ट टाइम पे से लग रहा है जो वार्षिक में भी आ सकते हैं, इसलिए, ठीक है। अगला देखिए, वनस्पति की किन्हीं तीन पद्धतियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो तीन नाम ही हो गए। अब जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है, ये भी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तो कुंजी के बारे में आप सभी को बताना है, कुंजी के बारे में ये आंसर रहा, देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। कुंजी के प्रकार भी यहाँ पर दिए हुए, एक तो हो गए भैया द्विशाखी, एक हो गई कोष्ठधारी, ठीक है, कोष्ठधारी। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर किन्हीं तीन महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप जीवों को किस प्रकार अलग करेंगे, तो ये भी वेरी मोस्ट है, इसको भी अवश्य रूप से देखें। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते, ये हमने बता ही दिया था, ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी, इसमें ज़्यादा कारण दिए हुए, तो ये पढ़ो, ठीक है। अगला देखिए, हर्बेरियम वनस्पतिक जूलॉजिकल उद्यान के बारे में लिखिए, वेरी मोस्ट है, इनमें से तीन में से मुझे लगता है एक जरूर आ जाएगा, हर जिले में अलग अलग आ रहा है, तो ये तो किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा, है ना। देख सकते हो आप वनस्पतिक उद्यान, ये जूलॉजिकल उद्यान, है ना। वर्गीय के पदानुक्रम ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा नहीं लगता मुझे आएगा, लेकिन हाँ कभी आ जाए तो पढ़ लेना, ठीक है। वर्गीकरण के किन्हीं तीन महत्व के बारे में तो हो ही गया, उसके लाभ बताना आप सभी को, है ना। जैव विविधता ये भी पढ़ ही लिया, लेकिन ये भी पढ़ लेना आप कि यह विविधता किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है ना, इसके बिना पारिस्थितिक संतुलन कैसे बिगड़ जाता है वो भी याद रखना, तर्क वितर्क करना आना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये तो होगा अपना अध्याय एक, है ना, कौन सा हो गया, ये हो गया था अपना अध्याय एक, है ना। अब बात करते हैं अगले अध्याय की, जो कि अध्याय दो आता है। तो अध्याय दो में सबसे पहले ये प्रश्न कर लीजिए कि पांच अगस्त वर्गीकरण पद्धति दी थी तो किसने दी, विटेकर ने दी थी, आर एच विटेकर ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्या है, अगला यहाँ पर देखो, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ है तो क्या है, तो वह वो रहेगा क्या रहेगा, विषाणु को पूछ रहा है अपन से। तो विषाणु में देखिए बहुत सी जगह डीएनए भी रह जाता है और आरएनए भी, तो यहाँ पर दोनों नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ एक ही रहेगा, लेकिन कब, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला ये देखिए, ये दोनों जो 2022 में आ रहे हैं ना, ये प्रश्न लगा लो, एक कोशिकीय वाला, एक कोशिकीय दोनों, है ना, मोनेरा और प्रोटिस्टा आ जाएगा। देखिए इसमें अंतर क्या दोनों में, कि एक में तो प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है वो है मोनेरा, और एक कोशिकी में यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है वो है प्रोटिस्टा, एक है मोनेरा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखेंगे, ये तो सत्य असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये दोनों बचता है पांच अगस्त वर्गीकरण पद्धति, तो ये विटेकर आ जाएगा शायद, इसमें देख लेते हैं, छठे में आई वी वाला आ रहा है, अर्थात सही है, तो ये तो अपन ने पहले पढ़ लिया है ना। अब यहाँ पर आप सभी देख लेना, वैसे जो पढ़ लिया वो पढ़ लेना। अगला ये वाला देख लेना आप, पैरामीशियम का प्रचलन है तो पक्षमाप, देखिए पैरामीशियम का कस किस नाम आ रहा है, पस है, और पस है इसका नाम क्या हो जाएगा, पक्षमाप, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला देखते हैं,
अगला यहाँ पर देखो, पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड, तो याद रखना भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, रखना याद। पांच जगत वर्गीकरण किस प्रकार से द्विगत जगत से बेहतर, ये भी याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जांपल भी है। अगला देखिए, व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण के अनुसार यूकेरियोटिक को कितने जगत वाला कहा जाता है, तो ये भी याद रख लेना। अगला देखिए, क्या है, जगत मोनेरा के जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो दो वर्गों में, ये भी अपनी नज़र में निकाल लेना, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। अगला देखिए, आर्के बैक्टीरिया क्या है, तो आर्के बैक्टीरिया जो है एक ऐसा जीव है जो कहाँ रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा असाधारण है ना, यानी कि वहाँ पर आप ऑक्सीजन नहीं रहती है भैया, तापमान सही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे जगह पर रहने वाले जीव, ये आंसर लिखा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर आधे बैक्टीरिया के दो लक्षण बताने, तो दो लक्षण आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, ये वाला लिख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में समानता, ये वेरी मोस्ट है, इसको याद रखना, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डाई एटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है, तो ये वाला भी याद कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगला कि ये भी याद कर लेना, ये वाला आ रहा है ना, ड्यूरोमाइसिटीज का अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है ना, को अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, सजीवता की परिभाषा है ना, तो यहाँ पर वेरी मोस्ट बनता है ये, और जीवाणु भोजी के दो लक्षण, ये भी वेरी मोस्ट है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या यहाँ पर, अगला पाँच जगत वर्गीकरण की किन तथ्यों पर आधारित है, तो तथ्य तो ये हो गए, पहले भी अपन ने देख लीजिए थे, अभी पीछे ही। अगला देखिए, अगला क्या है, जीवन के तीन प्रक्षेप्य डोमेन पर टिप्पणी कीजिए, वेरी मोस्ट है, इसलिए इसको याद कर लेना। बैक्टीरिया को अलग से पूछ सकता है, आर्के बैक्टीरिया को अलग से पूछ सकता है, यू बैक्टीरिया को अलग पूछ सकता है ना। अगला देखिए, जगत मोनेरा का प्रमुख लक्षण, वेरी मोस्ट है, याद कर लेना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखिए, अगला मोस्ट टाइम भी देखिए यहाँ पर, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी मोस्ट है, और ये चित्र आप सभी को बना देना है, ठीक है। ये त्रैमासिक में भी आया है 2022, इसलिए ठीक है। मोनेरा प्रोटिस्टा में ये छोड़िए, ठीक है। अभी देखिए, व्हिटेकर द्वारा पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख एक आधारिक लक्षण लिखिए, या फिर मतलब पूरा लिखिए ना, ऐसा भी आ सकता है, तो भैया इसको अवश्य रूप से याद करें, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, तो ये देख सकते हो आप किसने लिखी है यहाँ पर, व्हिटेकर ने संसार के समस्त जीवों को निम्न प्रकार से बांटा है ना, या निम्न जगतों में बांटा है, जगत मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह, इनका लक्षण वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो इनको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए ट्रिक है, देख सकते हो आप यहाँ पर, पांच जगत वर्गीकरण मैंने लिख रखी है, किसने दिए वो भी लिख रखा है, सारे के सारे जगत ये है, पाँच जगत देख सकते हो, पाँच जगत दिए थे उन्होंने, और इधर है उन सभी के लक्षण, और इन लक्षणों के आधार पर इनमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जैसे कि मैं आप सभी इसको समझा, तो मोनेरा जगत है, तो इसमें लक्षण जैसे कि कोशिका की संरचना कैसी है, तो एक कोशिकी है, अगर प्रोटिस्टा में देखें तो वो भी एक कोशिकी है, अगर कवक में देखें तो उसमें बहुकोशिकी मिलेगी, एक कोशिकी में भी मिलेगी कुछ में, और पादप में देखेंगे तो बहुकोशिकी ही मिलेगी, और एनिमल या जंतु में देखें तो वो भी बहुकोशिकी मिलेगी, ये तो गया, लेकिन इनमें अंतर क्या है, जैसे कि अगर केंद्रक देखें तो इसमें अनुपस्थित रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें उपस्थित रहेगा, यानी कि ये यूकेरियोटिक हो गई, ये प्रोकैरियोटिक हो गई, और अगर इसमें देखें तो इसमें भी उपस्थित, इसमें भी उपस्थित, इसमें भी उपस्थित, यानी कि सारे सारे क्या है, यूकेरियोटिक ही है ना, बाकी ये एक जो है ये मोनेरा, ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है, क्या प्रोकैरियोट, ठीक है। अगला देखिए, कोशिका भित्ति देख ले, तो इसमें उपस्थित, इसमें अनुपस्थित, सभी में उपस्थित, बाकी सिर्फ दो में अनुपस्थित, ये इन दोनों में अनुपस्थित है, बाकी सब में उपस्थित है। आगे देख सकते हो कोशिकांग वगैरह, ठीक है, इनको याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अगला मोस्ट टाइम भी देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन बैंक से भी आप सभी को बताए थे, ये देखिए एक ये TMV का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा। क्या है TMV का पूरा नाम क्या भैया, तो यहाँ पर सातवां आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, टोबेको मोजेक वायरस, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर, अगला कौन सा है, अगला है यहाँ पर प्लाज्मोगेमी, ये वाला ज़्यादा मोशन नहीं रखता है, ये RH द्वारा, ये RH विटेकर की पद्धति हो गई अपनी। प्रियोन्स क्या है ना, प्रियोन्स द्वारा मनुष्य होने वाले रोग, तो हेजा और माइकोबैक्टीरिया है ना, ये भी याद रख लेना, आर्के बैक्टीरिया को जीवाश्म तो हो गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते,
अगला क्या, जीवाणु में विखंडन विधि, वेरी मोस्ट है, इसको अवश्य रूप से याद रख ले। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर दो खाने योग्य मशरूम का नाम तो यहाँ पर ये है, ठीक है, प्रियोन्स क्या है, ये भी मोस्ट थोड़ा बहुत है, सहजीवता से तो हो ही गया। अगला देखिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर, ये तो हो ही गया, वो जो सारणी बताई थी उससे आप अंतर भी कर सकते हो हर एक में। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्या है, एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो ये भी मेरी मोस्ट है। ठीक है, अगर अगला देखें अपन तो अगला आप यहाँ पर देखेंगे, मेथनोजन, हेलोफिल और आर्किबैक्टेरिया को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों में अंतर, ये तीनों स्पष्ट है। ठीक है, स्वपोषी, विषम पोषी, मृतो जीवी जंतुओं को परिभाषित कीजिए, तो ये भी आप देख सकते हो इनमें से भी आएगा। ठीक है, अगला देखिए, आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रकार लिखे गए, वेरी मोस्ट है। ठीक है, अनिवार्य परजीवी और वैकल्पिक परजीवी पढ़ लेना आ सकता है। ठीक है, पैरामेशियम अमीबा युगलिना में चलन अंग, तो वेरी 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 मोस्ट है, तीनों का याद रखना। पैरामेशियम से प से पक्षमा, अमीबा में भैया है ना, अमीबा में अस क्या होता है, आँख, और आँख क जैसा रहता है तो क से कुटपात आ जाएगा, युगलिना में फ्लेजिला, इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है मोनेरा के तीन लक्षण, वेरी मोस्ट है ना, ये डाइनोफ्लेजिलेट के तीन लक्षण, वेरी मोस्ट है। अगला देखिए, अपवंग कवक के तीन लक्षण, वेरी मोस्ट है, जीवाणु भोजी का चित्र तो हो गया अपना, टीएमवी का नामांकित चित्र ये भी बना लेना। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन सा आएगा, अगला आप यहाँ पर देखेंगे पादप और जंतु में अंतर, ये भी लिख लेना। ठीक है, वेरी मोस्ट है ना, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते, ये भी वेरी मोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, सजीता साहब क्या समझते, तो हो गया है, तो भैया अपना पार्ट लगभग लगभग ख़त्म होने में आया है, अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं, वेरी मोस्ट आखिरी बताया करके, जीवाणु द्वारा मनुष्य में फैलने वाले रोग, ये आप याद रख लेना है ना, परजीवी पौधों को उदाहरण सहित समझाइए, वेरी मोस्ट है, जैसे कि अमर बेल है, तो अमर बेल क्या करती है, दूसरे पौधे के सहारे से चलती है, तो ये क्या होगी, परजीवी पौधा होगा। अब देख लेते हैं अध्याय तीन का, अध्याय दो अपने ख़त्म हो गए, यहाँ पर 15 मिनट में दोनों अध्याय ख़त्म हो चुके हैं, अब ये अध्याय भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसके मोस्ट टाइम भी ये वाला देख सकते हो है ना, हरे सेवाल में संचित भोज्य पदार्थ है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये भी याद कर लेना, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो वो हो जाएगा यूकेलिप्टिस। अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर ये वाला है स्पायरोगायरम, ये भी है क्या है, साइकस, और एक और ये है दोहरा निषेचन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, मोस्ट टाइम पी, अगला देखिए, शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए, ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के भी लिख दिया है। अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं है ना, तीनों शैवालों में अंतर है ये है ना। देखिए यहाँ पर, जैसे कि हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए सी पाया जाएगा, और लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए डी, ए बी, ए सी और ए डी है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगर इनका अन्य रंग द्रव्य देखें तो वो संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है वो भी। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर आप याद रख लेना। भूरे शैवाल का कोई चार आर्थिक महत्व, और यहाँ पर जो है ये भूरे शैवाल लाल शैवाल के महत्व तो मत याद करना, कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन हाँ शैवालों का आर्थिक महत्व, उपयोग वगैरह याद कर लेना, खाने में उपयोग किया जाता है, चारे के रूप में बहुत सारे उपयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे कौन सा है, देखिए यहाँ पर ब्रायोफाइटा, ये वाला याद कर लेना, ब्रायोफाइटा पौधों के विशिष्ट लक्षण। ठीक है, अगला देखिए, लिवरवर्ट और मॉस में अंतर, वेरी मोस्ट है, एक अंतर ही हो गया, एक और अंतर देख लेते हैं, ये देखिए तीन अंतर और ये इधर है, तो चार अंतर हो जाएंगे है ना। अगला देखिए कि ब्रायोफाइटा आर्थिक में है, तो ये तो हो ही गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, टेरिडोफाइटा भी याद कर लेना, ये वाला विषम बीजाणु था, वेरी 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 मोस्ट है, इसको अवश्य रूप से याद करें। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा आएगा, अगला देखिए आप, अनावृत अनावृत बीजी पौधों के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए, वेरी मोस्ट है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है, अगला अनावृत बीजी में है ना, तो ये तो अंतर याद कर लेना, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, वेरी मोस्ट है, ये इसको याद कर लेना। अगला देखिए, अनावृत और आवृत बीजी में भी याद कर लो, वेरी मोस्ट है, 2018 में भी आया, 22 में भी आया, और ये 2020 में आ गया था, इसलिए दोनों वेरी मोस्ट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो दो अंतर याद कर लेना, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है ठीक से तो YouTube से देख लेना, बाकी याद जरूर करना। कृत्रिम वर्गीकरण क्या है, प्राकृतिक, ये तो अपने अगले पार्ट में ही देख लिया था, शैवाल वगैरह इनमें अंतर हो गया, युग्मन संलयन, त्रिय संलयन, ये वेरी मोस्ट, इनमें अंतर दोनों में, दोनों की परिभाषाएं भी याद हो जाएगी, अंतर भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अगला क्या है, अगला है यहाँ पर देख सकते हो, शैवालों के प्रमुख लक्षण ये तो हो गए, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व ये भी हो गया,
अगला देखते हैं, अगला जिम्नोस्पर्म में वो भी हो गया, लिवरवर्ट और मॉस में अंतर, ये भी वेरी मोस्ट है, इसको जरूर याद करें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्थल क्यों कहते हैं, लाइकेन पर टिप्पणी वेरी मोस्ट है। शैवालों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, वेरी मोस्ट है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री हो गया अपना, बाकी आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर जो है एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र यहाँ पर वेरी मोस्ट है, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। ये चित्र सिर्फ अपने दिमाग में बना ले और नाम याद रख ले, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं क्या है वेरी मोस्ट, कवक मूल और शिवाल मूल, ये दोनों वेरी मोस्ट है, दोनों को जरूर याद करें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अगला देख सकते हो, अध्याय चार आ चुका है अपना, अध्याय तीन भी पूरा हो चुका है, अब अध्याय चार बचा है, फटाफट से अध्याय चार को पूरा करते हैं और अच्छा करते हैं, ठीक है, आप सभी को दिमाग हल्का करते हैं, फिर आएगा अध्याय पाँच। अब देखिए यहाँ पर ये वाला मोस्ट है, सन वाला, जिस पर सन दिख रहा है वेरी मोस्ट है ना, ये भी वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट। ऑब्जेक्टिव तो को तो सिर्फ वही याद कर लो जिस पर सन डला हुआ हो, ठीक है। बाकी चलिए अब बड़े बड़े देखते हैं, यहाँ पर ये संघ नेरिटा के दो लक्षण वेरी मोस्ट है, बाकी आगे दिया हुआ है। अगला देखिए, अगला देखते हैं यहाँ पर संघ पोरीफेरा के पांच विशिष्ट लक्षण, तो वेरी मोस्ट है, और बाकी आप सभी याद कर, कार्डेट और नॉन कार्डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हो 2018 19 और 22 में आया है, कार्डेट और नॉन कार्डेट क्वेश्चन बैंक में भी है, त्रैमासिक में भी आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए जरूर याद करें, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपन, अगला कौन सा है अपना मोस्ट आईएमपी, अगला देखिए पक्षियों में उड्डयन हेतु क्या क्या रूपांतरण होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, तो देख सकते हो ये वेरी मोस्ट है, इसको भी जरूर याद करें, ठीक है। अगला देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण वेरी मोस्ट है, इसको जरूर याद करें। अगला देखते हैं अगला कौन सा आएगा, अगला यहाँ पर देखिएगा आप सभी, आर्थ्रोपोडा प्राणी का सबसे बड़ा वर्ग है, कथन को सत्य कीजिए, साबित कीजिए और प्रमुख कारण लिखिए, इस प्रकार किसी प्रकार पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, स्तनी वर्ग के चार लक्षण, यानी कि आप स्तनी वर्ग हो तो अपने लक्षण लिख देना और आपसे एक नंबर मिल जाएंगे, ये वेरी मोस्ट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, हाँ खुले प्रसंचरण और बंद प्रसंचरण दोनों में अंतर वेरी मोस्ट है। अगला क्या है यहाँ पर, द्विपार सममिति वेरी मोस्ट है। त्रिकोरी की किसे जीव किसे कहते हैं वेरी मोस्ट है। खंडी बोन से क्या से वेरी मोस्ट है। अगला देखिए प्लेटी हेलमिंथिज वेरी वेरी मोस्ट है, ये है ना आर्थोपोडा संघ तो हो गया। अगला क्या है, अगला है रेडुला, क्या तात्पर्य, मनुष्य के शरीर में पाए जाने पर जीव के नाम लिखे, ये वेरी मोस्ट है, ठीक है। चमगादड़ को अपनी चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए पोरीफेरा संघ के दो लक्षण वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है। अगला देखते समतापी साहब क्या समझते हैं वेरी मोस्ट है। वर्गीकरण के आधार पर क्या है, वर्गीकरण के प्रमुख आधार तो ये वेरी मोस्ट है। अगला क्या है, कशरी की संख्या वेरी मोस्ट है। पक्षी में उड्डयन हेतु क्या क्या रूपांतरण, ये तो बता ही दिया वेरी मोस्ट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, मछलियों में वायु आशय की उपस्थिति का क्या कारण है, वेरी मोस्ट है। और पीढ़ियों का एकांतरण क्या क्या है, तो ये वेरी मोस्ट है। स्तनी वर्ग के तीन लक्षण ये तो लिखने ही पहले बता चुके हैं। अगला है परजीवी प्लेटी हेलमिंथिज के तीन विशेष लक्षण वेरी मोस्ट है। अगला है आर्थोपोडा प्राणी का सबसे बड़ा वर्ग ये हो ही गया वेरी मोस्ट है, ठीक है। अगला क्या है पर देख सकते हो, पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी वेरी मोस्ट है, देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो है यहाँ पर गोलक्रमी फीताक्रमी वेरी मोस्ट है। मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण व दो उदाहरण वेरी मोस्ट है। पोरीफेरा संघ भी वेरी मोस्ट है। प्रगुहा भी वेरी मोस्ट है, ठीक है। प्रगुहा के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ये भी मोस्ट है, ठीक है। और क्या है, संघ सिलेंट्रेटा में जनन, संघ एकाइनोडर्मेटा है ना। अब अगला देखिए, अब अगला आता है इकाई दो, अध्याय पांच आ जाता है। तो अध्याय पांच आप यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा इसमें से, बताते ये आएगा इसमें से, ये भी आएगा, ये भी आएगा नीचे वाला, और ये भी आएगा, ये देख सकते हो आठवें नंबर का, ये नौवें नंबर का, बाकी ये आएगा तेरहवें नंबर का, तेरहवा ये सारे के सारे कर लो भैया, है ना। अगला देखिए, अगला क्या देखते हैं इसमें, ये 2019 वाला कर लेना,
ये वाला वेरी मोस्ट है शिरा विन्यास। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट है मूसला जड़। किसे कहते हैं? जड़ और जड़ के प्रकार, याद कर लेना है ना, ये तो भैया बेसिक ही है। ठीक है बाकी बात करते हैं मोस्ट आईएमपी की। बेसिक तो आप सभी को पूरा करना ही पड़ेगा वरना कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए पर्ण विन्यास वेरी मोस्ट है, यहाँ पर देख लेना है ना। अगला देखिए शिरा विन्यास वेरी मोस्ट है, ये शिरा विन्यास। ठीक है समांतर जालिका शिरा विन्यास वेरी मोस्ट है। अगला देखिए एक प्रारूपिक पुष्प की का लंब काट का नामक चित्र बनाकर एवं उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए, वेरी मोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो ये फूल का चित्र आप सभी को बनाना है, वेरी मोस्ट है देख लेना। अगला देखते हैं, ये दोनों मोस्ट है। और आगे बढ़ते हैं तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। विशेषता तो आपसे को बताई होगी सभी की जड़ वड़ की, कठिन प्रश्न है नहीं। मूसला जड़ अपस्नानिक जड़, ये दोनों में अंतर वेरी मोस्ट है कर लेना। ठीक है अगला बताते हैं प्रणाम स्तंभ प्रणाम पर्व में अंतर है, ये वेरी मोस्ट है। प्रकंद गण कंद और शल्क कंद वेरी मोस्ट है। जड़ और तना वेरी मोस्ट है, ये थोड़े बहुत और अंतर इधर है। अगला देखिए सब सरल पत्ती संयुक्त पत्ती वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला देख लेते हैं अगला क्या है, पर्ण विन्यास तो हो गया। अगला देख लेते क्या है, पुष्पदल विन्यास किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट है, ये भी कर लेना। ठीक है यहाँ तक उत्तर है, चलिए बाकी आगे चलते हैं। और आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कौन सा मोस्ट है ना, बहुत कम कम बहुत ज़्यादा छोड़ दिए अपन ने और आपसे को बता दिया जा रहा है। ठीक है मोस्ट टाइम पे आगे चलते हैं। 2020 में आया ये प्रश्न भी मोस्ट है, पुष्प क्या है ये वाला। ठीक है देख सकते हो यहाँ तक है। ठीक है बीजांड्या न्यास क्या है, ये भी वेरी मोस्ट है देख सकते हो। ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार से दो बार पूछा जा सका है, ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना यहाँ पर, ये इस प्रकार से 2019 में पूछा जा सका है और 2020 में पूछा जा सका है। ठीक है अगला देख लेते, देखिए ये तीनों के तीनों आप सभी को कुल याद कर लेने, देख सकते हो ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से अंतर अगर आप याद करोगे तो याद हो जाएगा जल्दी। ठीक है अगला देख लेते क्या है, सोलेंसी कुल है वेरी मोस्ट है, ऐसे कुल मैंने आपसे बताया किस प्रकार से याद होगा। प्याज के पौधे का पुष्पदल विन्यास ये देखिए ये वेरी मोस्ट है ये दोनों। ठीक है अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं ये पुष्पक्रम थो गए दोनों, ये दोनों में अंतर बताया गया है शिरा विन्यास में, दोनों में ये दोनों पत्ती में अंतर हो गया, ये फूल वाला बताई दिया आप सभी को। फल के तीन महत्वपूर्ण लक्षण आप सभी को बताने, ये देख सकते हो बीज के तीन लक्षण, मूल के विभिन्न रूपांतरण, लिलियसी कुल के महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखिए, तो लिलियसी कुल का ये दो लक्षण इधर है और एक लक्षण यहाँ है। फोबियसी कुल भी याद करना है, बाह्यदल पुष्प पुष्पक्रम सोलेंसी कुल के तीन लक्षणों को लिखिए ये वाला। ठीक है तो देखिए आज के इस वीडियो में अपने कितने पार्ट किए, एक से लगा करके पांच पार्ट के आपसे को मोस्ट टाइम पे बता दिए हैं। अगर आपसे भी ये पूरे पूरे याद कर लेते हो तो आपसे भी कि ये पार्ट से जो भी प्रश्न आने वाले एक भी हटकर नहीं आएगा। जय हिंद जय भारत।